नमस्कार, हम आज राजस्थान के बीकानेर जिले के समस्त ग्राम पंचायतों का भ्रमण करते हुए हम पहुंचे हैं आज ग्राम पंचायत मुकाम, जिसकी पंचायत समिति नोखा है। यहां हम सरपंच से मुलाकात करेंगे और हम बात करेंगे सीधे और सटीक सवालों के साथ कि ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य है और कौन कौन सी योजनाओं के आधार पर कार्य हुए हैं। और हम ग्रामवासियों से भी बात करेंगे गाँव के सरपंच के बारे में, उनका क्या कहना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इस गांव के सरपंच रविंद्र जी बिश्नोई, जिनकी दिन की शुरुआत गुरु जम्भेश्वर भगवान की पूजा अर्चना के साथ शुरू होती है। उसके बाद वे अपने ग्रामवासियों से मिलने के लिए अपने निर्धारित स्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पर ग्रामवासी अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए और सरपंच साहब का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ग्रामवासी अपने छोटे बड़े काम सरपंच साहब से करवाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम इतनी टाइम बात कर रहे थे, उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने आपके गांव का टूर किया, गांव देखा है, आपकी दिनचर्या के बारे में जाना, लेकिन फिर भी मैं आपसे बारे में और आपसे बात करेंगे, तो आपसे सबसे पहले बात है कि आप कितने टाइम से यहाँ पर गाँव में सरपंच के पद पर हो? मेरे को सरपंच बने हुए तो 4.5 साल हो गए। 4.5 साल, यानी पहली बार बने? पहली बार सर। पहली बार आप सरपंच बने सर, आप किस क्या सोच के, क्या विचार करके आप सरपंच राजनीति में आए? क्या विचार राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? राजनीति में तो मेरे दादाजी पीछे सरपंच रहे हैं मुकाम के, और उनके प्रेरणा स्रोत से ही मैं राजनीति में आया, और लोगों की सेवा के भाव से ही मैं राजनीति करने का, मतलब सेवा का जरिया राजनीति अपनाया आपने। सर, आपके विचार किस प्रकार है, हमारे एक बार बताइए हमें भी। मेरा विचार है कि पूरा पंचायत नशा मुक्त हो और पूरा देश भी नशे से मुक्त हो। सर, जैसे आपने नशे मुक्त बताया, साथ ही साथ मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, गांव के प्रति आपका क्या सपना है, गांव को किस प्रकार देखना चाहते हो? मेरा सपना है कि मेरे गांव का नाम जिले और देश में रोशन करे मेरे ग्रामवासी। बहुत अच्छी बात है सर। सर, जैसे कि आपने 4.5 साल कम्प्लीट किए गाँव के कार्य में, तो यहाँ कार्य करते हुए सबसे बड़ी आपकी कौन सी समस्या है कार्य करने में? मेरे गांव में स्कूल की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसके बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े, उसका पट्टा भी जारी किया, वहाँ अतिक्रमण भी हटाया, और उसके बाद उसको अभी मूर्त रूप दे दिया। हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन के तैयार हुए, मतलब सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक क्लास। ये बहुत बड़ी बात है, गाँव में शिक्षा के लिए सबसे आगे आ गए हैं, और 12वीं तक बहुत ऐसे गांव हैं वहां तक तो 10वीं तक स्कूल नहीं है, यहां पर 12वीं तक स्कूल देखने को मिल रही है इनकी यहां बदौलत से। सर, साथ ही साथ एक बात जानना चाहता हूं, और आपके किस प्रकार के ग्रामवासियों के लिए गांव के कार्य थे, एक बार हमें बताइए। इसी तरह की मेरे मियांसर में भी स्कूल की समस्या थी, वहां भी जगह बहुत कम थी, बिल्डिंग नहीं थी, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एकदम भामा साहब बने आसुराम जी, उनको उन्होंने अपने सड़क पे 2 बीघा जमीन दी और उसको कन्वर्ट कलेक्टर साहब से करवा के उसमें अभी बिल्डिंग 2 कमरे और पूरी 4 दीवारी गेट बन के तैयार हो गए। अब आगे प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी से 5-7 कमरे और बने और कमरे बना के यहाँ स्कूल चालू करें। और कौन से कार्य थे, एक बार विस्तार से, जैसे आपने कोई कुंड के या थोड़े बता दिए, एक बार पॉइंट, मेन पॉइंट बता दीजिए। अभी गाँव के विकास के लिए गाँव की सड़कें हैं और जल कुंड बनाए, कम से कम 100 जल कुंड बना दिए मेरे पीरियड में लोगों को पानी की सुविधा के लिए, और 103 पशु शेड बना दिए, और एक अनाज भंडारण बनाया बहुत बड़ा, और शमशान की 4 दीवारी और विश्राम गृह जाटों की अलग है, राजपूतों की अलग है, मियांसर में अलग है, उसकी 4 दीवारी बनाई, और गांव में सड़क 1-2 ट्यूबवेल बना दिए नहीं, और एक स्कूल की 4 दीवारी, और ये सारे काम किए हैं। पाइपलाइनें भी वो डाली, औद बनाए, जल औद बनाए हैं, सामुदायिक भवन भी बनाए हैं 2। जैसे कि आपने कार्य बताए बहुत अच्छे, जैसे इन्होंने कार्य बताए सर, कार्य बहुत आपके अच्छे हैं, सराहनीय है, लेकिन साथ ही साथ एक बात जानना चाहते हैं, क्या आपके गांव में ढाणियों में या गांव में क्या लाइट पूर्ति रहती है? लाइट में हमारे 22 घंटा लाइट रहती है, और ढाणी लाइट जोड़ दी
हर डाणी में अपने लाइट और पानी की सुविधा हमें मिल रही है। कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी वंचित नहीं है। सर, जैसे कि आपने स्कूल की बात आई, मैं ये जानना चाहता हूँ पहला सुख निरोगी काया होता है, तो हॉस्पिटल के द्वारा किस प्रकार की सुविधा यहाँ पर? हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ अच्छे अच्छी व्यवस्था है, यहाँ एक डॉक्टर हो पाँच सात दस का स्टाफ है और 24 घंटा सुविधा मिलती है। 24 घंटा सुविधा मिलती है और 10 का स्टाफ है और 24 घंटा सुविधा मिलती है, बहुत अच्छी। एम्बुलेंस भी है, बहुत अच्छी बात है। एक गांव को देखते हुए इतनी बड़ी सुविधा जैसे किसी शहर की हो या तहसील की हो, जिले की ऐसी होती है। सर, आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? आप जैसे कि सुबह फ्रेश होते हो, मतलब आपकी एक बारीक से दिनचर्या बताइए, हम भी जानना चाहते हैं और भी लोग जानना चाहते हैं। सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता हूँ, उठने के बाद तैयार होके पूजा पाठ करके 8 बजे गाँव चला जाता हूँ। वहाँ में कोई आते हैं, कोई जनसुनवाई होती है, कोई आती है, लोगों की समस्या आती है तो उनसे वार्तालाप करके उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता हूँ। उसके बाद गांव में एक 10 बजे तक पूरे पंचायत में राउंड लगा लेता हूँ, जो भी समस्या जहाँ कहीं भी होती है उसको समाधान के लिए आग करते हैं। उसके बाद नौखा और शाम को वापस यहीं आ जाता हूँ गाँव में, और उसके बाद शाम को 11 बजे तक में रहते हो। जैसे कि सर आप सुबह एक बार सुनते हो और शाम को वापस नौखा से आते समय एक बार और पंप पर जाते हो सुनवाई के लिए? पंप पे जाता हूँ शाम को, वहाँ मिल जाते हैं, आते रहते हैं गांव वाले, 5-10 आदमी 10-15 आदमी बैठे मिलते हैं, तो उनसे जो भी समस्या होती है उनसे मिल लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद जो भी समाधान होता है उनका सुबह से मिल जाता हूँ। शिक्षा को देखते हुए स्कूल का अति भव्य निर्माण किया गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा और भव्य विद्यालय बना हुआ है, और अनाज के लिए अनाज भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण किया गया है, साथ ही गांव के बीच में छोटा सा पार्क के रूप में निर्माण किया गया है, और साथ ही आंगनबाड़ी पाठशाला का भी निर्माण किया गया है, और गाँव में रोडों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जहाँ जहाँ ग्रामवासियों ने अपनी आवश्यकता बताई, चाहे वो चार दीवारी की हो, चाहे शमशान भूमि बाउंड्री की हो, चाहे वो जलकुंड की हो या कोई अन्य समस्या, गांव की हर मांग को मुख्य रूप में अहम दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ शिक्षा को देखते हुए नई स्कूल का निर्माण किया गया, और आप देख पा रहे हो कितना भव्य और सुंदर गेट भी बनाया गया है, और यहाँ कार्य भी चल रहा है, और गाँव में पानी की समस्याओं को देखते हुए जगह जगह पानी के होद बनवाए गए हैं, और पशुओं के पानी पीने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गांव में नई ट्यूबवेल का भी निर्माण किया गया है, साथ ही साथ और भी छोटी बड़ी स्कूलों का निर्माण किया गया, और अब हम बात करेंगे गांव के लोगों से कि उनका क्या है कहना है, क्योंकि गाँव के लोग ही गांव की वास्तविक स्थिति को बता सकते हैं कि वहां कितना विकास हुआ है और विकास की स्थिति क्या है, सरपंच ने कामों को कितनी तरजीह दी है, ये सब ग्रामवासियों के साथ बात करने से पता चल लगेगी। तो चलते हैं ग्रामवासियों के साथ। मेरा नाम एतराम है, मुकाम गोरेनाड़ हूँ। सरपंच आपने है रविंदर, तो नाडी हूँ और चौखो काम करे सफंगोन कुंडांगो नाडी चौकी चाले है, और आता भी एकदम सही आवे है, और भाई मार तो चौखो काम चाले है मुकाम अच्छो चाले है, सरपंच की तरफ काम बहुत बढ़िया काम चाले है, हर आदमी ने मदद दिया कर हर एक बात की नाडी की गवर्नमेंट मतलब दे नहीं पर अंदर माने आगु दे। मेरा नाम सगना राम जी है, मुकाम ताड़वा, मुकाम ताड़वा सगना राम जी है। आप सरपंच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सब गरीब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र बिश्नोई ग्राम पंचायत मुकाम मुकाम का निवासी हूँ। सरपंच हमारा निष्प्रभाव सरपंच है मुकाम ग्राम पंचायत का, कोई मान लो किसी के साथ में दुष्भाव भेदभाव कुछ नहीं रखता है, ठीक है, जो काम करता है वो जायज़ करता है, नजायज़ कोई काम नहीं करता है आज तक, और नौका तहसील में ऐसा यंग और ईमानदार सरपंच है ही नहीं छत्तीस बिरादरी के अंदर। हाँ, मेरा नाम है कालू राम जी बिश्नोई, मुकाम का रहने वाला, रविंदर जी है सरपंच, और हमारा तो काम इसको फूटो कराए यार, गरीब के करे ऑटो को नहीं तो वही ऑटो ही दे रहा वैसा, ये तो बढ़िया आदमी है, कोई अंदाजो कौन इस आते ही हमारे तो कोई नहीं आता।